जी दोस्तों, ये एक FX सीरीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें मदरबोर्ड है गीगाबाइट का GA78LMT USB 3। तो इसमें यह है कि ये FX प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। इसमें अभी हमने FX प्रोसेसर लगाया है, 8350 8 कोर प्रोसेसर है और ये गीगाबाइट का मदरबोर्ड है। अभी ये गेमिंग पीसी तैयार हो रहा है, तो अभी इसमें हम इसको बिल्कुल अभी इंस्टॉल किया है इसके प्रोसेसर को। तो इसमें ये है कि इसमें पावर सप्लाई एक हमने यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। या आप देख सकते हैं ये 4850 वॉट की सप्लाई है। तो ये हम इसमें गोल्डन सप्लाई लगी हुई है, जिसके साथ ही हमें 6 पिन मिलती है हमारा अच्छा ग्राफिक कार्ड के लिए। तो ये हमें एक एक्स्ट्रा सप्लाई मिल रही है। तो इसमें हमें 78 मदरबोर्ड में LMT में हमें साटा मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है। दो पोर्ट ये हमें साटा, इसके अलावा एक्स्ट्रा जो है हम पोर्ट्स इसमें लगा सकते हैं। ये हमें 4 पोर्ट्स इसमें एक्स्ट्रा अभी मज़ीद जो है साटा की और अवेलेबल है। तो फ़िलहाल हम इसमें सिंगल मॉड्यूल है इसमें लगा हुआ, ठीक है। ये इसकी रैम देख सकते हैं आप, इसकी रैम जो है DDR3 है, XMS3। तो ये एक गेमिंग रैम है, इसको अभी हम यूज़ करने जा रहे हैं। और 1333 MHz इसकी स्पीड, 4 GB का मॉड्यूल है। तो इसको अभी हम फ़िलहाल क्रॉस एयर की बनी हुई है, अच्छी रैम है, ठीक है। कम प्राइस में ये ठीक मिल जाती है। तो ख़ास तौर पे इसके ऊपर जो इसकी मुझे जो चीज़ पसंद है कि इसके ऊपर ये जो मेटेलिक केस लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये रैम अपनी पूरी परफॉर्मेंस देती है और ठंडी रहती है। ये ख़ास तौर पे ये जो सिल्वर मेटल का ऊपर कवर दिया गया है, इसकी वजह से ये ठंडी भी रहती है। तो इसको जो है अब हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम ये इसको भी हम चलाएंगे, तो देखते हैं कि इसका जो है ना क्या रिज़ल्ट निकलता है। फ़िलहाल सिंगल मॉड्यूल हमने लगा दिया है, ठीक है। और इसके साथ अभी हम साटा लगाएंगे हार्ड डिस्क। तो साटा हार्ड डिस्क मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये जनाब हमारे पास साटा हार्ड ड्राइव है 128 GB की, तो शीबा की है। तो अच्छी स्पीड है इसकी, आमतौर पे गेमिंग पीसी के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपकी रैम कम भी है तो फिर आप ख़ास तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से आपकी जो स्पीड है उसके ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी स्पीड अच्छी रहती है। तो अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने ख़ास तौर पे ये यहाँ पर भी हम इसको लगा सकते हैं, ये जगह दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर भी इसको फिट किया जा सकता है, और अगर हम चाहें तो इसको इस जगह पे भी ऐसे स्क्रू की मदद से इसको फिट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें इसके लिए जो यूज़ करनी पड़ेगी, ये साटा 2 है हमारे पास, साटा 2 का ऑप्शन है। ये नीचे ये दिया गया है, आप देख सकते हैं साटा 2 है, ठीक है। साटा 2 पे हम लगा सकते हैं, इधर भी साटा 2 लगी हुई नीचे, इस पर भी हम इसको लगा सकते हैं जी। अभी हमने इसमें ये साटा फिट कर दिया, यहाँ पर एक स्क्रू की मदद से हमने इसमें ये साटा लगा दिया। और जो ID4 पे हमने जो साटा 4 पे हमने ये इसको CD-ROM को DVD-ROM को अटैच कर दिया। तो अभी हम इसको ऑन करके देखते हैं। तो इसमें बेसिकली अभी हम पावर सप्लाई देते हैं इसको, यहाँ से सिस्टम को ऑन करते हैं। ये हमारा सिस्टम जो है अपनी ऑपरेशनल हालत में आ गया है। अभी इसमें चूँकि पहले से विंडोज हमने इंस्टॉल की हुई है, तो वो स्पीड से जो है इसके फैन चल रहे हैं और अच्छी खासी शो दे रहे हैं। इसकी कूलिंग के लिए बेहतर है, एक्स्ट्रा इसमें फैन लगा हुआ है केसिंग के लिए। तो केसिस फैन भी ऑपरेशनल है, पावर सप्लाई का फैन भी ऑपरेशनल है, और ये हमारा CPU फैन जो है ना ये भी ऑपरेशनल है। अभी हम इसके साथ डिस्प्ले अटैच करते हैं, डिस्प्ले मॉनिटर लगाते हैं, फिर इसको देखते हैं। तो ये थी वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।